क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडिट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इफ वी नो, हमें कैसे पता चलेगा यानी कि वैल्यू आउटपुट और वैल्यू एडिट में अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो तो हमें कैसे पता चलेगा, राइट? इसमें हम जान सकते हैं कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक ऐसी अकाउंटिंग जिसमें आप देखते हो कि आपकी टोटल कितना कंज्यूम कर रही है आपके इनपुट, जैसे कि आपके कितने पैसे जो हैं वो लग रहे हैं रॉ मटेरियल्स के ऊपर, राइट? कितने पैसे आपके लग रहे हैं सर्विसेज के ऊपर, कितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लग रहे हैं। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि मेरे रॉ मटेरियल कितने लग रहा है, मेरे लेबर वेजेस कितने लग रहे हैं, लैंड रेंट कितना लग रहा है, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है उसका मैं क्या कॉस्ट प्राइस रखूँ। कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज करिए कि मुझे एक पेन बनाना है, 10 रुपीज़ का कॉस्ट उसका मुझे पड़ रहा है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तब पता चलेगा जब मैंने जितना इसके ऊपर खर्चा किया होगा। अगर मैं 10 रुपीज़ का इसको बेच रही हूँ तो इसकी कॉस्ट जो है 8 रुपीज़ मुझे पड़ रही है, और 2 रुपये का मैं प्रॉफिट लगाऊंगी तभी मैं 10 रुपये का बेच पाऊंगी, यानी कि 8 रुपये एटलीस्ट मेरा खर्चा इस पेन के ऊपर इसको बनाने के लिए हुआ है। ये कैसे पता चला? इंटरमीडिएट कंजम्पशन से ही पता चला रॉ मटेरियल्स कितने लगे, राइट? तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो फर्स्ट विल बी द राइट आंसर, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन।